बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो इस टाइम रात का 1 बज रहा है और तकरीबन हम 10 बजे से लेकर अभी रात के 1 बजे तक जो है हमारी आंखें जो है वो आपको जवाब दे रही होंगी। कोई कहता है हमने क्या कोई हम पे कैसे कीचड़ उछालता है, कोई हम पे कैसे कीचड़ उछालता है। हमने कभी किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। हम कुछ करते हैं, हम बकार हैं, हम कुछ भी है, हम अपना करते हैं। किसी के ऊपर तो कभी तनकीद नहीं की ना, कभी किसी के ऊपर कोई इल्जाम तो नहीं लगाया ना। काले जादू तो हम पर हुए पड़े हैं, हमारे ऊपर सब चीजें तो हमारे ऊपर हुई पड़ी है। हम किसी के ऊपर क्या करेंगे, क्या करेंगे किसी के ऊपर हम कुछ करके। इतना कुछ किया जा रहा है, इतना कुछ किया जा रहा है। सगा बाप अपनी बेटी को कहता है घर चलो तुम्हें तलाक दिलवाता हूं मैं। क्या ये मुझे छोड़ देगी? हम अपने बच्चों से जुदा नहीं होंगे, मरते दम तक नहीं होंगे। हमने एक साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया है और एक साथ गुजारेंगे। अगर मेरा पाप भी कहेगा ना कि इसको छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ूंगा। और अगर इसका पाप कहेगा तो ये मुझे नहीं छोड़ेगी। हम अपने बच्चों को बेघर नहीं करेंगे। जिसका जो दिल करता है करता है, जिसका जो दिल करता है वही तनकीद करता है, वही जो कुछ लिखता है। हमने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत बर्दाश्त किया। मैं अपने भाई से भी यही कहूंगा, मेरे भाई, मेरी भाभी, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। और काले जादू किए जाते हैं अपने से ऊपर वाले के खिलाफ। मेरा तो इन चीजों पे ईमान ही नहीं है, मेरा इन चीजों पे कोई ईमान नहीं है। लेकिन एक बात कर रहा हूं कि मैं किसी के ऊपर कुछ करके, मैं अगर करूंगा, एक मिसाल दे रहा हूं, मैं अगर करूंगा, मैं अपने के ऊपर के लेवल के साथ मुकाबला करूंगा ना, आपसे क्यों करूंगा? आप भाई हैं, बड़े भाई बाप की जगह पे होते हैं, बाप के बाद आप हमारे बाप हैं, और भाभी जो है वो हमारी माँ है। हम उसके ऊपर कभी कोई कुछ नहीं कर सकते, हमारी फैमिली हमारी जिंदगी है। मगर हमारी फैमिली को कुछ कंजर बेगैरत जो है वो इस तरह से करवाते हैं जो अभी करवा रहे हैं। इस कंजर की वजह से अभी इसके अब्बू ने कहा मुझे
दिल जो है वो बर्दाश्त नहीं कर रहा, इसलिए मर्द कहते हैं कभी रोते नहीं है, लेकिन औलाद की खातिर सब कुछ बना हो जाता है, इंसान तबाह हो जाता है। हमने किसी भी कंजर का, बेगैरत का, किसी का कुछ नहीं किया, लेकिन वो है कि हमारी फैमिली के अंदर जो है वो दरार पा रहे हैं, हमारी फैमिली के अंदर झगड़े डलवा रहे हैं, हमारी फैमिली को एक दूसरे से अलग करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने बच्चों को अपने पास रखूंगा, भाई हमारे ऊपर इल्जाम लगाने से बेहतर था आप सोचते कि ये सब कुछ करने वाला कौन है, कौन क्या करवा रहे हैं, सब आपको पता है। यसीद ने पानी रोका था, और ये यसीद से बढ़कर लोग हैं, ये भी पानी रोकते हैं लोगों का। आज पड़ों के झगड़े डलवाए इन लोगों ने, जब पड़ों के झगड़े हुए तब सबक है अबू ने जब कहा ना, मेरे पैरों से जमीन निकल गई कि ये एक बाप अपनी बेटी को कैसे कह सकता है, नहीं कह सकता, सिर्फ इन चीजों की वजह से उसकी जुबान पर जो है वो तलाक का नाम आया है, सिर्फ इस वजह से, क्योंकि उन्होंने सारे काम किए हुए हैं, उन्होंने सब कुछ किए हुए, तब भी सबा के बाप ने मुझे तलाक मांगी अपनी बेटी के लिए। अगर मैं करूंगा मैं अपने बच्चों को नहीं भूलूंगा, मेरे बच्चे, मेरी सबा, मेरी फैमिली, मेरा सब कुछ है, सब कुछ उनके ऊपर कुर्बान, मैं ऐसा नहीं करूंगा। सब कोई हमें छोड़ जाए, सब कोई हमें जलील करे, जैसे मर्जी घटिया से घटिया इल्जाम लगाए, हमारी तरक्की तक जो जलता है वो जले, हमें कोई नहीं समझता है वो समझे, हमें कोई जो कुछ समझता है समझे, हम अपनी जगह, हम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करेंगे, हम एक साथ रहेंगे। और जो भी और वो वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने ये किया है, तो बेगैरत के बच्चे, तेरा बाप कल भी बेगैरत था, अपनी बेटियों को बेचा, आज भी बेगैरत है, और तू भी कंजर है, और तू जो कर रहे है ना हमारी फैमिली के साथ, आप लोगों ने जो किया है ना, इंशाल्लाह उसका हिसाब किताब इस दुनिया में हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला। और आगे आज के बाद आगे अगर आपने कोई भी ऐसा वैसा कदम उठाया, हम कानूनी तरीके से लड़ेंगे, मेरा घर बिक जाए, मेरी गाड़ियां बिक जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन मैं कानूनी तरीके से आपके साथ मुकम्मल तौर पर इंशाल्लाह ताला सब छोड़ जाए, कोई भाई मेरा साथ ना दे, कोई मेरा साथ, ससुर, कोई भी मेरा साथ ना दे, लेकिन मैं
लड़ूंगा आपके साथ। अगर आप दोबारा से ऐसा करेंगे, किसी का भी पानी रोकेंगे, किसी का भी आप यजीद बनेंगे, तो इंशाल्लाह हम मुकाबला करेंगे। तो मैं अपने भाई से, भाभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा पहचाने उन लोगों को जो बर्बाद कर रहे हैं, ये सारी फैमिली में बर्बाद कर रहे हैं, सबकी इज्जत को खाक में मिला रहे हैं। और हमें अल्लाह पाक ने तरक्की दी है, हमें अल्लाह पाक ने सब कुछ नवाजा है, हमने मेहनत की है, हमने रात दिन मेहनत की है, हम दोनों को ऐनक लगी हुई है, हमारी आंखों की बिनाई इतनी नहीं है। अब रात दिन हमने मेहनत की है, हमें रात दिन नींद नहीं होती है, हमें रात दिन टेंशन होती है। ये हमने व्लॉग बनाने हैं, हमने अपनी रोजगार चलाना है, हमने ये ख्वाहिश पूरी करनी है, हमने ये करनी है, हम अपनी मेहनत करते हैं, हम जलन हसद नहीं करते, हम किसी के ऊपर जादू नहीं करते, हम क्यों करेंगे, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। कभी नहीं करोगे ना सच्ची? आपके बाप, आपके माँ बाप आपको छोड़ जाएंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा। वो किसी की खातर आपको छोड़ देंगे और मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने प्यारे मासूम बच्ची को इधर उधर नहीं रुलने दूंगा। हम ना थक गया, अब हम किसी को भी कुछ नहीं कहते, जो जो हमारे खिलाफ जो करता है वो हिसाब देगा, वो जरूर हिसाब देगा। हम रात के 1 बजे, तहज्जुद के टाइम 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, इंशाल्लाह हिसाब देंगे। मेरा अल्लाह देख रहा है, इंशाल्लाह हर बंदा अपना हिसाब देगा, इस दुनिया में भी देगा, आखिरत में तो जब होगा इस दुनिया में भी हिसाब देंगे, हमारी आंखें देखेंगी, जैसे हमारे साथ कर रहे हैं उनके साथ भी होगा, फिर उनको पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता। ऐसे ऐसे काले जादू, ऐसे तावीज कि हम दोनों को जुदा करने वाली चीजें क्यों कर रहे हैं हम? यही कि ये जुदा हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ये अपनी जगह बर्बाद, मैं अपनी जगह बर्बाद, बच्चे हमारे अपनी जगह बर्बाद हो जाएंगे, ये आप करना चाहते? ऐसा नहीं होगा। अगर मैं सूखी रोटी खाऊंगा तो बच्चों को भी खिलाऊंगा, अपनी वाइफ को भी खिलाऊंगा, लेकिन इंसान की एक इज्जत होती है, वो बात करते हैं कि वो इस तरह की जैसे वो बदमाश है। मैं अपने भाई से फिर रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे भाई
उन बेगैरतों से बचो, उन कंजरों से बचो जिन्होंने अपनी बेटियां तक भेज दी, वो हमारे क्या बनेंगे। लोग हज उमरा करके आते हैं तो अल्लाह से डरते हैं, तो जिसको जो समझ आई है ठीक है, जिसको नहीं समझ आई ठीक है, जिसको अच्छा लगा ठीक है, जिसको बुरा लगा ठीक है। हम अपनी जिंदगी ऐसे गुजारेंगे, हम अपने व्लॉग बनाएंगे, हम हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारेंगे, किसी को जो होता है होता रहे, हम किसी की वीडियो का, किसी की बात का, किसी की मैसेज का कोई जवाब नहीं देंगे। हमारे हमें बताएं हमारे ऊपर क्या क्या बातें होती है। बहन भाई कहते हैं कि आप नंबर शेयर करें, हम बात करना चाहते हैं। हम नंबर शेयर करते हैं तो हमें लोग व्हाट्सएप पर भी गालियां देते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं, बीवी की गालियां, बच्चों के ऊपर तरह तरह की बातें करते हैं। हम तो बर्दाश्त करते हैं, इसलिए हम नंबर नहीं देते।